हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हमारे प्रीवियस ब्लॉग पहुंचे थे बेबी के कन्यादान और बेबी के सात फेरों तक। तो सात फेरे लेने के बाद सारे वर पक्ष और वधु पक्ष दोनों के जो फैमिली हेड हैं वो खाना सर्व करते हैं वेद मंडप के अंदर। और आज आप लोगों के लिए अपनी सिस्टर बेबी की विदाई शेयर कर रहा हूँ, तो मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है ये ब्लॉग बनाना और बहुत ही भावुक पल होते हैं ये। तो आप सभी लोगों की ही रिक्वेस्ट पर शेयर कर रहा हूँ मैं अपनी बेबी की विदाई। मंडप में हमारे एक बहुत ही खास रीति रिवाज है और काफ़ी प्यारी रस्म है। तो जो दूल्हे की साली होती है वो शुभ शिक्षा पढ़ती है और वर पक्ष वाले इसे काफ़ी ध्यान से सुनते हैं। दुखी भी हो तो हाथ फैलाना नहीं, ससुराल की मेहंदी हो प्रेम वाली, सुरमा हो शर्म वाला, चूड़ा सजे अच्छाइयों वाला, गले में हार हो जन्म वाला, जिस कान से धब्बा लगे वो। मंडप वेद में खाना खाने के बाद अब बेबी हो रही है रेडी, लेकिन उससे पहले जो हमारे जीजा साहब हैं उनको आना पड़ता है। जो यहाँ पर हमारा एक बहुत ही स्पेशल रूम होता है, धार्मिक रूम, जहाँ पे जो पंडित जी हैं उनके द्वारा उच्चारण किया गया था बहुत ही शुभ मंत्रों का, और उसके बाद हो जाती है विदाई। Thank you.
ये देखो अब तो आप अपने घर पहुँच गए ना। डरिए भाई जो डरिए भाई। इन सात फेरों और कन्यादान की रस्मों ने बेबी को कर दिया हम सबसे जुदा। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बेबी पहुँच चुकी है अपने नए घर में। बेबी की डोली इनके घर पहुँचने पर चल पड़ा। इनका जो भी कल्चर है, अब ये अपने रीति रिवाज और जो भी इनके रिचुअल्स हैं उस हिसाब से ये अपना कार्य कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे को भी इन रिचुअल्स रिवाजों का उतना पता नहीं है, तो मैं एज इट इज़ वीडियो क्लिप्स को आप लोगों के सामने रख रहा हूँ, तो आप लोग देखते रहिए। हरिओम ऋग्वेदाय नमः, हरिओम सामवेदाय नमः, हरिओम यजुर्वेदाय नमः, हरिओम अथर्वेदाय नमः, हरिओम ऋग्वेदेभ्यो नमो नमः। कितने हो गए? दो। कितने हो गए? दो। छह हो गए। रुक जाओ अभी, ठीक है जी, लड़का आगे हो जाएगा। मैडम इधर देखना जरा, एयरटेल के रिचार्ज पे। हरिओम यजुर्वेदाय नमः, हरिओम अथर्वेदाय नमः, हरिओम ऋग्वेद चतुर्वेदेभ्यो नमो नमः। तो ये यहाँ पर जो हिमाचली कल्चर का रिवाज है, तो शादी पर दूल्हा और दुल्हन साइड से भाई बहन बनाए जाते हैं, तो ये रियल भाई बहन वैसे भी हैं। परफेक्ट से आप लोगों ने देखा, नीरज ये हमारे जीजू साहब के रियल भाई हैं और शादी पर भी इनको इनका भाई बनाया गया, जो पवित्र मंत्रों और जो भी एक होता है उस हिसाब से। और बेबी की बहन बनी हमारी सिस्टर वंदना, जो ऑलरेडी ही रियल सिस्टर है। Thank you.
खेला और तू फुटबॉल और मैं इधर से आता दोनों की टक्कर होगी दोनों बच्चा करते हैं इधर से तो जब यहाँ पर ये प्रोसेस चला हुआ था तो प्रियंका और ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, आप लोगों ने चेकआउट किया होगा और इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन भी ब्रीफली दिया हुआ था हमारे जीजू साहब और सिस्टर बंदना के चैनल पर। तो ये यहाँ पर बैठे हुए थे और उसके बाद ये जो भी यहाँ पर हिंदू समाज के अकॉर्डिंग जो भी ये पूजा पाठ हुई उसके बाद बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बनता ही है। तो उसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये है बेबी की सासू माँ और साथ में ससुर भी। बेबी के ससुराल में बेबी के चरण पड़ते ही बेबी का स्वागत हुआ बहुत ही धूमधाम से। तो सारे के सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और बेबी कुछ है ही ऐसी कि खुशियाँ अपने आप ही फैल जाती हैं हर एक घर में। जब तक इन्होंने यहाँ पर अपने घर पे पूजा पाठ की बेबी के पहुँचने पर, तो उसके कुछ घंटों के बाद हमारी फैमिली भी पहुँच गई बेबी के ससुराल में। तो यहाँ पर चल रही है मिलनी दोनों पक्ष की ओर से। तो यहाँ पर मम्मी और बेबी की सासू माँ कर रही है कुछ जो रीति रिवाज होते हैं हमारे हिमाचली कल्चर में। हमारे यहाँ कल्चर में इसको सौंपनी बोलते हैं। तो हमारी पूरी फैमिली आई हुई है और आज मम्मी बेबी को सौंप देंगे इस नए घर में और आगे से इसी फैमिली को बेबी का ख्याल रखना पड़ेगा और यही बेबी की फैमिली बन जाएगी। तो ये था हमारा आज का ब्लॉग और आज का ब्लॉग बनाते बनाते खुद भी भावुक हो गया। तो क्षमा चाहता हूँ आप लोगों से और कुछ ऐसी रस्में हैं उनको मैं भी नहीं जानता था तो आप लोगों को बयां भी नहीं कर पाया। तो आज के ब्लॉग की मैं यहीं पे एंडिंग कर रहा हूँ